कोरोना से जंग लड़ते हुए 6 पुलिस कर्मचारी भी हुए पॉजिटिव। अकोला के इन योद्धाओं को सलाम। कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए अकोला शहर में 19 और 20 मई को संपूर्ण लॉकडाउन कर्फ्यू अकोला के जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर की ओर से लागू किया गया था, जिसे अकोला के पुलिस अधीक्षक अमोक गांवकर सर तथा अकोला के SDPO सचिन कदम सर के मार्गदर्शन में अकोला शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त देखा गया। बिना काम के आने जाने वाले लोगों पर कड़क कार्रवाई की जा रही है। 45 डिग्री धूप में अपने फर्ज को निभाते हुए पुलिस कर्मचारी अकोला की जनता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हाल ही में 6 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो अपनी मेहनत और फर्ज निभाते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसलिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ टीम ऐसे योद्धाओं को सलाम करती है और आपसे निवेदन करती है कि कृपया अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे, अकोला पुलिस को अपना सहयोग दे। अकोला से रंगरेज की आवाज़ के लिए न्यूज़ एडिटर इन चीफ मोइन रंगरेज और महाराष्ट्र के उप संपादक इरशाद अहमद की रिपोर्ट। किया पुलिस ऑफिसर, ये देखिए आपके सामने कड़े कोट बंदोबस्त है, ये गाड़ी जा रही है आपके सामने। देखिए SP साहब यहाँ पर अकोला शहर के कैसे पेट्रोलिंग जारी है। आज 2 दिन का कड़क बंदोबस्त रहा, कड़े कोट बंदोबस्त रहा, रोड के ऊपर सन्नाटा दिखाई दे रहा है और सिटी कोतवाली पुलिस के पास या जो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके सामने बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया जा रहा है अकोला शहर का। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ पब्लिक को इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने समझना चाहिए कि 2 दिन का इंस्ट्रक्शन बहुत जारी कड़े कड़ रहा और उसी जनता ने ऐसा ख्याल दिए तो अपने अकोला से कोरोना जल्द से जल्द निकलने की शक्यता हो सकती है। लेकिन आज यहां पर इसी परिस्थिति है। अब देखते हैं मोइन सर के साथ रंगरेज सिटी कोतवाली के पास में आज हम आए हैं। यहाँ पे 2 दिन का कलेक्टर की ओर से फुल लॉकडाउन यहाँ पे जाहिर किया गया था अकोला शहर में, जिसको देखते हुए यहाँ पे देख सकते हो आप कितना कड़ा पुलिस बंदोबस्त अकोला सिटी की पुलिस के पास में दिख रहा है। यहाँ पे अकोला सिटी कोतवाली के पास में यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त देख सकते हो आप। हर किसी आने जाने वाले की, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो या कोई कर्मचारी हो, सभी की यहाँ पे जो है जाँच की जा रही है। सभी को बिना जाँच के किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी बढ़िया तरीके से अकोला सिटी कोतवाली के नौजवान जो है 47 डिग्री धूप के अंदर ये सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये अंकल आपको ये देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी है, इनकी जो उम्र है, इनकी उम्र देख के आपको लगता है कि ये उम्र 55-60 करीब इनकी उम्र है, लेकिन इस कोरोना के जो प्रकोप के अंदर ये पुलिस वाले आज काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये बहुत सर, ये जो आपकी इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र में आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हमारा मेरा उम्र अभी 54 है और हमको जो वरिष्ठ के आदेश मिलते हैं और हमारे साहब के जो आदेश मिलते हैं उस मुताबिक लॉकडाउन में जो हमको निर्देश दिए गए हैं उसका हम पालन करते हैं। सर, इतना कोरोना फैल रहा है और ज़्यादा उम्र वालों को इससे ज़्यादा वो टेंशन है, तो अभी आपको कैसा लगता है कि आप घर से जब निकलते तो क्या लगता है आपको? नहीं, पूरा हम प्रिकॉशन लेके निकलते हैं घर से। फैमिली क्या कहती है? फैमिली कहती है अभी कैसा कि सब तरफ अभी चल रहा है, थोड़ा प्रिकॉशन लो, ये बोलते हैं। सर, इतनी 47 डिग्री धूप है अकोला शहर की, इतनी तेज़ धूप के अंदर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है? ये तो हमारा कर्तव्य, हमको जो ड्यूटी के लिए नियमा गया है वो हमारा कर्तव्य, हम फर्ज के लिए जो ड्यूटी जो दी गई है हम ईमान इतबार से ड्यूटी करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस के जो है नौजवान युवक भी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग जो है जिनकी उम्र 55 साल है, इनका नाम खर्चे साहब है, अपनी ड्यूटी को कैसे निभा रहे हैं, कैसा लोगों के लिए मैसेज कर रहे हैं लोग, और ये जिम्मेदारी को आपको निभाना है, आपको घर में रहना है, आपको वहाँ पे घर में रह के सुरक्षित रहना है। अगर आप बाहर रहते हो तो ये सब लोगों के कर्मचारियों की मेहनत पे पानी फिर सकता है, आपके बुजुर्ग और बच्चों की जिंदगी धोखा हो सकता है अगर आप घर में नहीं रहते हो। तो रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ के लिए मैं इरशाद अहमद के साथ में, मैं मोइन रंगरेज, बने रहिए हमारे साथ में।